ईचागढ़ विधानसभा सीट से 3 बार विधायक बने अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह ने गुरुवार को गाजेबाजे के साथ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन चांडिल एसडीओ कार्यालय में किया। इस बीच चौका में एक नामांकन रैली और जनसभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की भीड़ उमड़ी। सभा स्थल पर विधायक अरविंद सिंह के नाम के जयकारे लगाए गए। निर्दलीय प्रत्याशी अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह ने कहा कि पिछले 35 सालों से ईचागढ़ विधानसभा के लोगों की सेवा कर रहा हूं। 1994 में जब डायरिंग आक्रामक रूप ले चुका था, तब उन्होंने क्षेत्र में ही डॉक्टरों की टीम लेकर कैंप लगाया था। आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाइए ना, पीछे हो जाइए। सर, आज आपने इंडिपेंडेंट रूप से ये किया, नॉमिनेशन किया, इसके बारे में क्या? तो मोबाइल नीचे करना भाई, इंडिया नीचे तो हम ऐसा करते ही हैं। 95 से लेकर के अभी 24 तक हर एक साल लड़े, इस बार भी यहाँ जनता ने और हमारे जो समर्थक है बोले कि आपको टिकट नहीं मिली, टिकट बिक गई एक तरह से, तो यहाँ से लोगों ने निर्णय लिया कि चुनाव लड़ गया और उसी क्रम में आके हम लोगों ने नामांकन दाखिल किया। सर, भरपूर सहयोग मेरे, आपके समर्थक भी बहुत देख रहे हैं नॉमिनेशन रैली में, क्या कर रहे हैं? हम लोग पिछले 35 वर्षों से जुड़े हुए हैं, एक एक पल यहाँ के लिए समय शरीर से लेकर के सारी चीज़ों को हमने लगाया है। इस इलाके को चाहते हैं कि एक आदर्श विधानसभा के लिए थोड़ी बहुत अधूरी चीज़ें हैं उसको करना, पूरा करने के लिए हम लोगों ने फिर एक बार निर्णय लिया। मुद्दा तो जनता, जनता से क्या अपील करेंगे? मुद्दा क्या रहेगा? जिस ढंग से बंदर बांट हुआ, जो लोग जो बने वो जवाबदेही नहीं निभा पाए, ये सारी चीज़ें हैं। इस बार जो हम लोगों का घोषणा पत्र में रहेगा, उसमें दो चीज़ों की प्राथमिकता हम लोग देंगे, एक इरिगेशन की और दूसरा टूरिज्म का। इसको लेके आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये इम्प्लॉयमेंट देने में बहुत बड़ा सहायक होगा इस इलाके को बढ़ाने में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो लगभग डेवलप हो गया है, तो पुल पुलिया बन गया, थोड़ी बहुत बाकी है वो भी बन जाएगी, तो इम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो उसको हमने जनता। वहीं ईचागढ़ विधानसभा सीट के NDA गठबंधन के आजसू उम्मीदवार हरेलाल महतो ने गुरुवार को अपना नामांकन किया। बहुत ही साधारण तरीके से हरेलाल महतो ने नामांकन किया। आज स्वयं भाजपा के नेता व कार्यकर्ताओं के साथ सहायक निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय पहुंचकर हरेलाल महतो ने नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर भाजपा एवं आजसू के कार्यकर्ताओं का जोश देखने को मिला। हरेलाल के नामांकन में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री, सहरांची सांसद संजय सेठ तथा आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो शामिल हुए। इन दोनों नेताओं के साथ नीमडी जिला परिषद सदस्य असित सिंह पात्र, हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता RSP सिन्हा, NDA उम्मीदवार हरेलाल महतो के साथ नामांकन में प्रवेश किया। और आभार व्यक्त करते हैं कि NDA के प्रत्याशी के रूप में आज हम और आदरणीय पार्लियामेंट मेंबर और केंद्रीय मंत्री हमारे संयुक्त रूप से इनके पक्ष में यहाँ पर आए। अपील यही है कि एक जनादेश जो लोकसभा में मिला, वही जनादेश या उससे भी बढ़कर इस राज्य के नवनिर्माण के लिए जनादेश हो। वर्तमान 19 के कमिटमेंट वाली सरकार का हाल सभी लोगों ने देखा, एक एक जनता ने उनके कमिटमेंट का मूल्यांकन किया है और मूल्यांकन का परिणाम यही है कि हर हालत में इस सरकार को बेदखल करना है, यही निश्चय। ऐसा कोई भी मसला जो NDA के संदर्भ में होगा, भारतीय जनता पार्टी आजसू के संदर्भ में होगा, हम लोग बैठ के उसको सॉर्ट आउट करेंगे। वहीं खागेन महतो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। विस्थापित, शिक्षा एवं बेरोजगार जैसे मुद्दों पर जोर देने वाले निर्दलीय प्रत्याशी खागेन महतो ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। किसी दल ने लड़ा होगा, लेकिन हमने कभी इस मुद्दे पर नहीं लड़ा और हम लोग का आज
पिछड़ापन का शिकार के कारण ही लड़ने का आज उद्देश्य बनाया है, क्योंकि दलगत भावना में आके पार्टी के वरीय नेताओं का शिकार बनना पड़ता है। आप अपने हक और अधिकार को अगर लेकर बोलना चाहते हैं तो पार्टी का सुप्रीमो का दबाव, तो पार्टी का फलना का दबाव, इसलिए हम लोग सोचा पार्टी बाद में, पहले माटी का ही लड़ लेते हैं, उसके बाद पार्टी का देखेंगे, उसके बाद राज्य का सोचेंगे, पहले ईंचागढ़ ही कर लेंगे, उसके बाद राज्य का सोचेंगे। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। इस बार स्थानीय कितना बड़ा मुद्दा? बड़ा मुद्दा है स्थानीय, यहाँ 40 वर्षों का शिकार है। आज आपको टाटा स्टील का ITR अप्रेंटिस जो वहाँ सलगाड़ी में खुल सकता है, आपका कुचाई में 500 बेड का हॉस्पिटल खुल सकता है, वहाँ एकलव्य विद्यालय चल सकता है, आपका झिमड़ी में कहे वहाँ भाई बैल बकरी बंधा रहा, बिल्डिंग और भवन तो दुनिया भर का आपके अनुमंडल में पड़ा हुआ, क्यों नहीं आज तक? जो हम तो यही बोल रहे हैं कि यहाँ से जो सांसद रहे वो केंद्रीय मंत्री रहे, जो भी उनकी सत्ता रही है, जो भी यहाँ विधायक रहे हैं आज 1990 के बाद से, आप देख लीजिए उनके सत्ताधारी दल के लोग वही विधायक बने, चाहे बीजेपी का गवर्नमेंट स्टेट में होगा तो बीजेपी का विधायक है, JMM का गवर्नमेंट आज है तो JMM का विधायक है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उन लोग यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता है, कभी किसी रूप में अपनी मानसिकता को उन लोग जो है यहाँ का उजागर नहीं किया है कि यहाँ के लोगों का मतलब सर्वांगीण विकास के रूप में ये लोग देखना ही नहीं चाहता। चुनाव में अपने लिए नहीं, एक सेवक के भावना से, विधायक बनने के लिए नहीं, मैं सेवा के भावना से और आगे के लिए अपने आने वाले भविष्य को और पीढ़ी को संवारने के लिए, इस क्षेत्र को संवारने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, अपने लिए नहीं।